अपने बच्चों को स्वयं महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, आप मंगलवार, शनिवार, रविवार, बहुत से लोग कहते महाराज जी हमें, कई लोग मिलते हैं बोले महाराज जी और दिन तो हम लगाते हैं, मंगलवार नहीं, मंगल छोड़ देते हैं, मंगलवार तो छूते भी नहीं महाराज जी। बहुत से लोग महाराज जी मंगल और शनिवार दोनों नहीं पीते, बाकी तो पीते हैं, नक्कटा ठटरी के बड़े है? इसका मतलब हनुमान जी केवल मंगलवार भर को हैं, बाकी दिन गायब, मतलब हनुमान जी बाकी दिन एब्सेंट हैं, सिर्फ मंगल शनिवार को हनुमान जी मिलते हैं, ऐसा ना आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? अरे नहीं, मंगल और शनिवार तो विशेष कृपा के लिए है, मंगल शनिवार तो उन लोगों के लिए है जिन्हें सात दिन नहीं आना, तो कम से कम मंगल के बहाने आओ कि आज विशिष्ट दिन है, आज विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा पाने के चक्कर में आओ। मंगल और शनिवार तो इसलिए है हनुमान जी का, बाकी हनुमान जी का तो चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियार। वो तो चारों युगों में है, क्या मंगल, अच्छा चारों युगों में, ऐसा तो है नहीं कि केवल मंगल शनिवार भर। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते महाराज जी शनिवार को तो हमारे घर पे कुछ बनते ही नहीं है, बहुत सी माताएं मिलती हैं महाराज जी हनुमान जी की तो हमारे स्वामी जी बड़े पुजारी हैं। अच्छा माँ कैसे? महाराज जी शनिवार को तो हम कुछ बनाते ही नहीं है, कुछ मतलब समझ जाओ हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप लोग बहुत समझदार हो ना, हाँ, ऊपर या तो इंद्र है, नीचे नागपुर वाले बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य लगता, हमें बड़ी हंसी आती है कि बताओ ये विचार क्या कर रहे हैं, मतलब बाकी दिन हनुमान जी गायब, सिर्फ मंगल शनिवार हनुमान जी लैंड करते हैं, फिर हनुमान जी टेक ऑफ कर जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हनुमान जी हवा में है, हनुमान जी वायु हैं, हनुमान जी कण कण में, आप जो श्वास ले रहे हैं ना, हमसे बहुत से व्यक्ति पूछते हैं हनुमान जी आपके कितने करीब हैं। एक साधक ने हमसे पूछा आपने हनुमान जी के दर्शन किए? हमने कहा नहीं किए पर अनुभव किया। बोले कब अनुभव हुआ आपको? हमने कहा हर श्वास में हमें अनुभव हुआ, क्योंकि उनका नाम पवन कुमार है। श्वास लेना हनुमान जी हैं, प्राण वायु जो है ना, हनुमान जी प्राण है, हनुमान श्री हनुमान जी के बिना प्राण असंभव है। लेकिन आप लोग प्रवचन सुनने नहीं बैठे, आप तो पर्चा के चक्कर में बैठे। कुछ लोग तो ये सोच रहे ये कब बंद होगा, वो जादूगरी कब शुरू होगी, वो जो 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 बुलाते हैं वो कब शुरू करेगा, ये लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये हनुमान जी, ये पंचमुखी, ये छोड़ मेरे बाप का नाम बता। कुछ लोग जो बाहर खड़े उन्हें लग रहा है कि भीतर हो रहा है, जो ताली बज रही ना, एकाध का बन गया पर्चा। तो बहुत से लोग यहां बैठे हैं उन्हें लग रहा है ये चर्चा बंद कर, पर्चा शुरू कर, प्रभु क्या कर रहा है। बहुत से लोग तो इसी में अब आएंगे, वो आते ही तुरंत पर्चा उठाएंगे, तुरंत हमारा नाम लेंगे, तो हद ये है, वो सोचता है हमारी भरारजी लग जाए, बगल वाला बैठा रहे। हम तो बहुत अनुभव करते हैं, बहुत करीब से, अब बोल पाना, हमारे भाई भाई में तो सब सिग्नल आते हैं, सबके सिग्नल, तो जितने बैठे हैं वो सोचते रहते हैं हे हनुमान जी मुझे पर बुला लो, बाद में पर महाराज जी भले ही चले जाएं, सो जाएं, रो जाएं, कुछ भी कर जाएं, हमारा पर्चा बना दो बस हो गया। एक बार हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने उससे कहा भी आप बैठो, हम थोड़ी देर में प्रसाद पा के आते हैं। बोले गुरु जी हमारा बनाया जाओ। हमें याद हो गई, उनका भोजन ना करें, बोले आप फिर पा लेना, एक घंटा बाद आना, पर पर्चा बनाए जाओ। उनका वाह क्या जमाना है, अद्भुत लोग हैं इस भूमि पर। नागपुर वाले भी कुछ यही सोच रहे कि ये कब तक चलेगा, 10 मिनट तो हो गया है, अभी कुछ और बोलेंगे क्या? उपाय भी बता दिया, हनुमान जी भी बता दिए, ये छोड़ो पर्चा बताओ। तो बात यह है कि हम आपको इन बातों से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है।